हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्लेजर्स कॉन्सेप्ट में। तो फ्रेंड्स, आज जो सेशन लेके आए हैं इसमें हम लोग एक नया बुक जो लॉन्च हुआ है पिनाकल पब्लिकेशन का, समान अध्ययन का बुक है ये फर्स्ट एडिशन। इस बुक को आज से हम लोग जो है शुरू किए हैं और फ्रेंड्स इस बुक में टोटल 26,000 प्लस वन लाइनर क्वेश्चन दिया गया है और ये वन लाइनर क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स प्रीवियस जो एग्ज़ाम हुआ है SSC रेलवेज पुलिस स्टेट एग्जाम्स और स्टेट PCS का वो सारे क्वेश्चन जो है वहीं से इस बुक में कवर किया गया है। ठीक है, पर डे जो है इसमें हम लोग सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज जो है इस बुक को कवर करेंगे, स्पेशली RRB NTPC एग्जाम्स के लिए। ठीक है, और इसमें रेलवे का जो प्रीवियस ईयर एग्जाम हुआ है उसके क्वेश्चन को जो है हम लोग स्पेशली देखने वाले हैं। तो आज जो है इसका देखिए स्टैटिक GK सब्जेक्ट से नृत्य जो टॉपिक है इसके क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज का सेशन। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन और देखिए इसमें रेलवे एग्जाम उसका जो एग्जाम हुआ है उसका जो प्रीवियस क्वेश्चन है उसको हम लोग वन लाइनर के रूप में जो है आज से कवर करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन यहां पे दिया हुआ है, कह रहा है कि मयूरभंज छऊ नृत्य है। मयूरभंज छऊ नृत्य कहां का है? तो ये ओडिशा का नृत्य है। नेक्स्ट है, पडियानी भद्रकाली मंदिर में प्रदर्शित एक अनुष्ठानिक नृत्य कला है। कहाँ का कला है ये? तो ये कला है केरल का। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो दिया है इसमें दिया है कि पुडुचेरी में गराडी लोक नृत्य रामायण से संबंधित किया जाता है। किस मंदिर में किया जाता है? तो ये विल्ली यानूर मंदिर में जो है किया जाता है। नेक्स्ट है, सिद्धि धमाल नृत्य का संबंध है। सिद्धि धमाल नृत्य का संबंध है कहाँ से? तो इसका संबंध है गुजरात से। अलकप झारखंड और किस राज्य में किया जाने वाला एक पारंपरिक नृत्य नाटक है? झारखंड और किस राज्य में? तो झारखंड और पश्चिम बंगाल में। ठीक है, झारखंड और पश्चिम बंगाल में जो है ये होता है। तो उसके बाद चलिए अब जो अगला प्रश्न है इसको देखेंगे। होली वेशा एक लोकप्रिय लोक नृत्य है। होली वेशा एक लोकप्रिय लोक नृत्य है कहाँ का? तो ये लोक नृत्य है कर्नाटक का। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में भी इसको शेयर जरूर कीजिएगा और वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। फसल कटाई नृत्य जो मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में लोकप्रिय है। फसल कटाई नृत्य जो मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में लोकप्रिय है वह है जवारा नृत्य। ठीक है, ऐसे क्या कहा जाता है? जवारा नृत्य कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद चलिए अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया इस क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें कह रहा है कि राई मुख्य रूप से लोक नृत्य है। राई मुख्य रूप से लोक नृत्य है कहाँ का? तो ये लोक नृत्य है मध्य प्रदेश का। आंध्र प्रदेश का एक नृत्य जो छरी नृत्य के समान है वह है कोला नालू नृत्य। पाइका नृत्य प्रसिद्ध है। पाइका नृत्य प्रसिद्ध है कहाँ पे? तो ये उड़ीसा में प्रसिद्ध है ये। रेंगमा मुख्य रूप से लोक नृत्य है कहाँ का? रेंगमा मुख्य रूप से लोक नृत्य है कहाँ का? तो ये लोक नृत्य है नागालैंड का। उसके बाद जो है सत्रिया नृत्य की शुरुआत 15वीं शताब्दी ईस्वी में की गई थी। सत्रिया नृत्य की शुरुआत 15वीं शताब्दी ईस्वी में की गई थी किसके द्वारा? संत महापुरुष शंकर देव के द्वारा। याद रखिएगा, संत महापुरुष शंकर देव के द्वारा। थांगटा एक विशिष्ट मार्शल नृत्य रूप है कहाँ का? थांगटा एक विशिष्ट मार्शल नृत्य रूप है कहाँ का? तो ये नृत्य रूप है मणिपुर का। ठीक है फ्रेंड्स, कहाँ का है? मणिपुर का ये नृत्य है। उसके बाद जो नेक्स्ट है इसमें, केरल के उत्तरी मलाबार क्षेत्र में प्रदर्शित की जाने वाली एक लोक कला है। केरल के उत्तरी मलाबार क्षेत्र में प्रदर्शित की जाने वाली एक लोक कला है वह है कोलकाली। क्या नाम है इसका? कोलकाली नाम है। हिमाचल प्रदेश का एक लोक नृत्य जो यज्ञ के साथ समाप्त होता है। हिमाचल प्रदेश का एक लोक नृत्य जो यज्ञ के साथ समाप्त होता है वह है नाटी नृत्य। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद नेक्स्ट है, खजुराहो नृत्य महोत्सव की शुरुआत की गई थी कब? तो 1975 ईस्वी में। ठीक है, खजुराहो नृत्य महोत्सव भारत सरकार द्वारा किसके सहयोग से स्थापित किया गया था? तो ये मध्य प्रदेश कला परिषद के सहयोग से स्थापित किया गया था। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य है कहाँ का? भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य है कहाँ का? तो ये शास्त्रीय नृत्य है तमिलनाडु का। केरल के दो शास्त्रीय नृत्य है। केरल के दो शास्त्रीय नृत्य है कथकली और मोहिनी अट्टम। कथकली और मोहिनी अट्टम। कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति हुई है। कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति हुई है आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। ठीक है,
आइए फ्रेंड्स, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य है, मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य है कहाँ का? मणिपुर का। कथक शास्त्रीय नृत्य है कहाँ का? उत्तर प्रदेश का। ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य है ओडिसी। सत्रीय शास्त्रीय नृत्य कहाँ का है? तो यह है असम का। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें कि चांगसांग नृत्य नागालैंड की चांग जनजाति द्वारा किया जाता है, तो यह किया जाता है नाक्यूलम उत्सव के समय। ठीक है, रेचुंगमा घतो किटो आर्ची रमो नृत्य कहाँ के हैं? तो ये नृत्य है सिक्किम के। नेक्स्ट देखेंगे जाट जटिन लोकप्रिय नृत्य कहाँ के हैं? तो जाट जटिन लोकप्रिय नृत्य है बिहार का। भारतीय शास्त्रीय नृत्य जिसे प्रसिद्ध ऋषि भरत को भगवान ब्रह्मा द्वारा प्रकट किया गया था, जिन्होंने इस नृत्य को संहिताबद्ध किया था, वह नाट्य शास्त्र में। उसके बाद जो अगला प्रश्न हो जाएगा इसमें कि हुरका बोल लोक नृत्य है कहाँ का? तो हुरका बोल लोक नृत्य जो है फ्रेंड्स यह उत्तराखंड का है। बारडो छम लोक नृत्य है अरुणाचल प्रदेश का। गौर मारिया लोक नृत्य छत्तीसगढ़ का है। डांडिया नृत्य का संबंध है गुजरात से। ढालो एक लोकप्रिय अनुष्ठान लोक नृत्य है कहाँ का? गोवा का। उसके बाद जो है गंभीरा नृत्य विभिन्न लकड़ी के मुखौटों का उपयोग करके किया जाता है कहाँ पे? तो पश्चिम बंगाल में। मांडो लोक नृत्य है कहाँ का? तो ये लोक नृत्य है गोवा का फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखेंगे केरल का पारंपरिक रंगमंच जहाँ 8 दिनों में 8 नाटकों का प्रदर्शन किया जाता है, वह है कृष्णाट्टम। ठीक है, केरल का ये पारंपरिक रंगमंच है जहाँ 8 दिनों में 8 नाटकों का प्रदर्शन किया जाता है, कृष्णाट्टम है। माइकल जैक्सन के 1991 के संगीत वीडियो ब्लैक और व्हाइट एकमात्र भारतीय नृत्य शैली से संबंधित है ओडिसी। ठीक है, कौन संबंधित है? ओडिसी संबंधित है। अगला प्रश्न है सिक्किम वासी जाने जाते हैं अपने अद्भुत मखौटा नृत्य चाम के लिए। ठीक है, अद्भुत मखौटा नृत्य जो है वह चाम के लिए। शास्त्रीय नृत्य जो अपने वर्तमान स्वरूप में मुगल परंपरा से प्रभावित है वह है कथक। ठीक है, नेक्स्ट है दुमहल नृत्य शैली का संबंध है कहाँ से? दुमहल नृत्य शैली का संबंध जो है वह जम्मू एवं कश्मीर से है। नृत्य शैली छरही की उत्पत्ति हुई है कहाँ से? नृत्य शैली छरही की उत्पत्ति हुई है हिमाचल प्रदेश से। नेक्स्ट जो दिया है इसमें कि माथुरी लोक नृत्य प्रचलित है, माथुरी लोक नृत्य प्रचलित है तेलंगाना में। नट पूजा बिहू और चोंगली लोक नृत्य ये कहाँ के हैं? तो ये सब के सब है असम के। मध्य प्रदेश के निमार क्षेत्र का एक लोकप्रिय लोक नृत्य कौन सा है? तो वह है काठी। ठीक है फ्रेंड्स, काठी इसका सही आंसर होगा। उसके बाद है छोलिया नृत्य का संबंध है, छोलिया नृत्य का संबंध है कहाँ से? तो उत्तराखंड से। एस्पाव नृत्य कहाँ के हैं? तो यह है लद्दाख के, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का। उसके बाद जो है अब चलिए नेक्स्ट यहाँ से देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो फ्रेंड्स यहाँ से हो जाएगा दिया है इसमें कि चेराव बांस नृत्य संबंधित है, चेराव बांस नृत्य संबंधित है मिजोरम राज्य से। एक दक्षिण भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली जिसका अर्थ है कहानी नाटक, वह है कथकली। उसके बाद चलिए अब जो नेक्स्ट है देखेंगे इसको। नेक्स्ट यहाँ पे जो दिया गया है फ्रेंड्स देखिए कह रहा है कि भारतीय नृत्य शैली मणिपुरी अधिकतर किस विषय पर आधारित है, अधिकतर किस विषय पर आधारित है? तो ये आधारित है कृष्ण गोपियों पर। तपाली और डगला लोक नृत्य है छत्तीसगढ़ के। राउत नाचा एक प्रसिद्ध आदिवासी नृत्य है कहाँ का? तो यह नृत्य है छत्तीसगढ़ का। कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का है फ्रेंड्स। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हो जाएगा इसमें कि परिचकली एक लोकप्रिय लोक नृत्य है कहाँ का? तो ये लोक नृत्य है लक्षद्वीप का। उत्तर प्रदेश का कजरी लोक नृत्य संबंधित है वर्षा ऋतु से। उसके बाद नेक्स्ट जो दिया है इसमें कि मारूनी नृत्य का संबंध है सिक्किम से। ओडिशा में युवा लड़कों द्वारा किया जाने वाला नृत्य संबंधित संदर्भित है गोटीपुआ से। ठीक है, गोटीपुआ से। अगला प्रश्न हो जाएगा इसमें डोलू कुनिथा लोक नृत्य है कर्नाटक का। कलाकार एक बेलनाकार स्कर्ट पहनते हैं जिसे पोटी ओई कहा जाता है, ये मणिपुरी नृत्य में है। और त्रिभंग मुद्रा संबंधित है ये ओडिशा नृत्य शैली से। और लाहौर नृत्य है ये मेघालय का। ठीक है।